नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस प्रश्न को हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, यदि सभी संख्याओं का औसत लिया जाए तो औसत क्या होगा। ठीक है, उसने कहा कि कोई संख्याएं हैं x जिनका औसत है y स्क्वायर और कोई संख्याएं हैं y जिनका औसत है x स्क्वायर। तो हम सभी संख्याओं को मिला दें तो औसत क्या होगा, ये हमें बताना है। तो औसत का जो फॉर्मूला होता है वो तो हम सभी को आता ही है। औसत बराबर क्या होता है, योग, यानी जो भी संख्याएं हैं उनका योग और जितनी संख्याएं हैं उनका भाग कर देंगे तो क्या निकलता है, औसत निकलता है। ठीक है, अगर हमें योग निकालना है तो हम इसका गुणा कर सकते हैं। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्या। ठीक, ये समझ में आया, ये हमने फॉर्मूला था, इसको हमने योग के फॉर्मूला लगा दिया। यानी इससे हमें योग चाहिए हो तो औसत का संख्याओं में गुणा कर देंगे तो हमारा योग निकल आएगा। पहली कंडीशन में क्या था, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है। तो x संख्याओं का योग अगर हम निकालने बैठे तो क्या होता है, औसत गुणे संख्या। औसत कितना था, y स्क्वायर, संख्या कितनी थी, x। ठीक है, यहां पर डिफरेंट रखना आप, y स्क्वायर गुणा x लिखा है। ठीक है, अब ऐसे ही y संख्याओं का योग निकालेंगे तो वही फॉर्मूला, औसत y संख्याओं का औसत कितना था, x स्क्वायर और गुणा संख्याएं कितनी थी, y। ठीक है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को पहले आपको बताया था। तो हमारा x संख्याओं का योग निकल आया और y संख्याओं का योग निकल आया। हम x प्लस y संख्याओं का योग अगर निकालें का योग तो ये प्लस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर y। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है, x और y हम दोनों कॉमन ले लेंगे तो यहां से एक y बचेगा और यहां से एक x बचेगा। तो x और y संख्याओं का योग निकल के क्या आया, एक्स वाई, वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई। अब हम निकाल लेंगे सीधा सीधा औसत, और ये औसत किसका है, x प्लस y संख्याओं का है। यानी उसने कहा था यदि सभी संख्याओं का औसत लिया जाए तो हम सभी संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं। योग कितना आया, एक्स वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई बटे संख्या, संख्याएं कितनी है, x प्लस वाई। तो ये हमारा यहाँ कट जाएगा और आंसर क्या बचेगा, एक्स वाई। ठीक है, तो इस सवाल को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, इस औसत के फॉर्मूले से हमने योग का फॉर्मूला निकाल लिया था। योग बराबर क्या आया था, औसत गुणा संख्याएं। तो x संख्या का योग निकाला तो y स्क्वायर x आया, y संख्या का योग निकाला तो x स्क्वायर y आया। तो x प्लस y संख्याओं का योग निकाला यानी दोनों को जोड़ दिया, y स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर y, इसमें से x y कॉमन हो गया था, अंदर बचा था y प्लस x। फिर हमने x प्लस y संख्याओं का औसत निकाला तो ऊपर योग रख दिया और नीचे दोनों संख्याएं रख दी, ये कट गई, आंसर क्या आ गया, x y। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।